Hi, this is Jogendra. Today your talk is Desi Martini. Let me share with you my film review of Dhadak. Ek love story se aap kya umeed rakhte hain? Ki chaliye romance to ho gayi, but romance ke saath aapko dekhne ko milega gaane acche. Uske alawa aapko milega drama. Uske alawa milega thoda bahut action aur bahut sara humor. Ye sare ke sare kuch ingredients hain jo ek achhi romantic musical drama mein aap expect karte hi karte hain. Khaaskar ki jab us film mein ho newcomers. Because अगर आपके स्टार्स होते हैं फिल्म में तो ऐसा होता है कि स्टार अपने आप आपको खींच लेता है अपनी तरफ. ऑडियंसेस हैव गॉट दिस काइंड ऑफ सेट परसेप्शन कि चलिए हम एक स्टार को देखने जा रहे हैं. बट जब आप डेब्यूटेंट्स को लेकर आते हैं तो आपको बाकी सारे एलिमेंट्स का भी स्ट्रॉन्ग रखने पड़ते हैं कि चलिए स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, नरेटिव, प्लॉट पॉइंट्स, ये सारे इतने सॉलिड हो कि आप उसमें एंग्रॉस हो जाए एंड देन यू स्टार्ट रिलेटिंग टू दिस न्यू कमर्स. सो दैट्स द रीजन व्हाई डायरेक्टर शशांक खेतान हैड अ टास्क इन है. उनके लिए था कि चलिए ईशान है, जाह्नवी है, आपने बात कर ली कि दीज टू यंगस्टर्स आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग. लेकिन नेक्स्ट बिग थिंग बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें और डालनी पड़ती हैं. दैट्स द रीजन व्हाई जब बात हुई कि चलिए सैरात का रीमेक बनेगा, एक मराठी ब्लॉकबस्टर है जिसको आप हिंदी में दिखाएंगे तो ऑल इंडिया लेवल पर आप कैसे लेके जाए, और उसके लिए बहुत जरूरी था कि एक अच्छी कहानी डेफिनेटली हो, बट उसके अलावा आप सारे के सारे जो मैंने इंग्रीडियंट्स के बारे में बात करी ये अच्छे से आप पेश कर पाए. एंड दिस इज वेयर द डायरेक्टर्स कोर्स. हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि यार पिक्चर स्लो हो गई या थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो गई, बट वो सारी चीज़ें होती है. एक परफेक्ट मूवी बनाना एक अपने आप में आर्ट है. शायद दो तीन पिक्चर हैं साल में जो परफेक्ट बनती है. सो आई एम नॉट सेइंग दैट धड़क इज अ परफेक्ट लव स्टोरी, बट देन इट इज डेफिनेटली एन एंटरटेनर. बिकॉज जब आप फिल्म देखते हैं आपको मजा आता है. जब ये दोनों यंगस्टर्स मिलते हैं, इनके बीच में एक लव स्टोरी डेवलप होती है, आपको अच्छा लगता है. जब इनके बीच में एक प्यार पनपने लगता है, एक दूसरे को चाहने की जो एक इच्छा होती है जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, आपको वो चीज़ अच्छी लगती है. दैट्स द रीजन व्हाई यू रिलेट टू देम. आप चाहते हैं कि ये दोनों मिले. जब ऐसा ऑडियंसेस को लगने लगे व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग रिलेटेड टू द कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन, तो डायरेक्टर का आधे से ज़्यादा काम तो वहीं पर ही हो जाता है. उसके अलावा बात आ जाती है प्रोडक्शन की, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव करण जौहर हैज मेड श्योर कि प्रोडक्शन वैल्यू पूरी लगा दी उन्होंने. फिल्म इज बेस्ड आउट ऑफ उदयपुर, बट वहां पर भी उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि चलिए एक टाउन है या स्मॉल सिटी है तो वैसी फील देनी है. यस, वो एक एसेंस है, वो एक कोर है, बट उसके अलावा चाहे वो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, चाहे वो गाने होते हैं, चाहे वो कैनवस होता है, ग्रैंड होता है, वो सब कुछ उन्होंने दिया. सो प्रोड्यूसर ने अपना काम कर दिया, डायरेक्टर ने अपना काम कर दिया, एंड दिस गाय ईशान एंड जाह्नवी ये पूरा ट्रेन हो गया है. पता चलता है कि इनकी ट्रेनिंग काफी टाइम से चल रही है एंड दे हैड टू डू वेल ऑन द बिग स्क्रीन एंड दे डू वेल टू. उसके अलावा जो म्यूजिक है अजय अतुल का, दे डू वेल. सो ये सारे के सारे जब आपके कॉम्बिनेशन ठीक आ जाते हैं तो ये बात आ जाती है कि आपके और जो छोटी छोटी चीज़ें आसपास उनको आप कैसे ठीक करें. तो यस, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव टेक्निकली द फिल्म इज वेल. उसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है ऑफकोर्स विद आशुतोष राणा लीडिंग द शो, वो अच्छा है. जो ईशान के दोस्त दिखाए हैं साथ में वो अच्छे हैं. सो ऑल सेड एंड डन द एंटायर पैकेज कम्स टुगेदर रियली वेल टू मेक श्योर कि जब आप फिल्म देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है. एंड देन एज आई सेड, आप कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी जो लव स्टोरी है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, एक अच्छी तरफ जाके कल्मिनेट हो, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव द फिल्म डज रियली वेल. एंड इसी वजह से एक जो रिलेटिबिलिटी फैक्टर है ऑडियंसिस का, वो धड़क के साथ आ ही जाएगा. तो वो जो चीज़ है मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस से भी डेफिनेटली इज गोइंग टू कल्मिनेट वेल एंड इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट टू वंस अ वीकेंड नंबर्स आर आउट. बट मीनवाइल बात आ जाती है ओवरऑल फिल्म की. आई एम गोइंग टू गिव इट अ गुड रेटिंग. माय रेटिंग फॉर द फिल्म इज गोइंग टू बी 3.5 स्टार्स. आप जाइए फिल्म देखिए, आपको डेफिनेटली मजा आएगा. दिस जोगेंद्र टुडेया साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेया टॉक्स देसी मार्टिन.